नमस्कार जय हिंद जय जोहार जय छत्तीसगढ़ मेरा नाम प्रवीण जैन है प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्पोर्ट्स सेल का मैं चेयरमैन हूँ जैसा कि आप सबको विदित है कि हम बहुत जल्द ही नवरात्रि का पावन पर्व मनाने वाले हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर लोग अपनी भक्ति भावना से माता की आराधना करेंगे कोई दीप जलाएगा कोई भक्ति करेगा कोई भंडारा करेगा कोई उपवास रखेगा और कोई गरबा खेलेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्पोर्ट्स सेल ने यह निर्णय लिया है कि हम भी नवरात्र का पावन अवसर खेल कूद कर मनाएंगे माता रानी के नौ स्वरूपों की आराधना इस नवरात्रि में की जाएगी और हम भी प्रदेश भर की टीमों को आमंत्रित कर रहे हैं हमने नौ टीमों को आमंत्रित किया है जो बस्तर से लेकर सरगुजा तक की टीमें होंगी इन सभी टीमों का नाम माता रानी की नाम से ही हमने सुसज्जित किया है और आप सबको बतलाना चाहता हूं कि 9 अक्टूबर 2021 से सुभाष स्टेडियम की दूधिया रोशनी में हम यह टूर्नामेंट कराने वाले हैं यह नाइन साइट फुटबॉल टूर्नामेंट होगा और आपको बतला दूं कि इस टूर्नामेंट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी कुछ महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगी प्रदेश की हमारी महिला शक्तियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हम यह टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं मेरा आप सभी प्रदेशवासियों से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि इस टूर्नामेंट में अधिक से अधिक संख्या में पधारें इस टूर्नामेंट का सपोर्ट करें ताकि हम प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं उसको संबल मिल सके मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि आप सुभाष स्टेडियम में अवश्य पधारेंगे माता रानी के हम भक्ति करेंगे हम वहाँ भंडारा करेंगे और हम फुटबॉल खेलकर माता की आराधना करेंगे मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आपका समर्थन और आशीर्वाद इस टूर्नामेंट को प्राप्त हो जय हिंद जय जोहार